हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीगो वंस अगेन। कैसे हैं आप सब? बढ़िया। ओके, सो लास्ट सेशन में हमने फाइनेंस स्टार्ट किया था, बिजनेस मैथ्स का, जिसके अंदर हमने सिंपल इंटरेस्ट के बारे में डिस्कशन किया था। वी हैड अटेम्प्टेड फ्यू क्वेश्चंस एज वेल, राइट। उसमें से कुछ क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट भी थे जो हमारे एग्जाम्स में आ सकते हैं, राइट। तो कुछ क्रिटिकलिटीज देखी थी, कुछ डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस देखी थी, उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, हाउ टू रीड द क्वेश्चन, ठीक है, कैसे उसको चीज़ को क्या क्या हमें गिवन होगा, वो चीज़ कैसे आइडेंटिफाई होती है, देन हाउ टू वी स्टार्ट द क्वेश्चन, राइट। सो अगेन आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। वी विल ट्राई टू यू नो डू मोर क्वेश्चंस एंड वी विल डेफिनेटली गो फर्दर एज वेल। आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट को भी कवर अप करेंगे फॉर श्योर। ओके, सो जैसे कि सिंपल इंटरेस्ट को हमने डिस्कस किया, उसको हो सकता है कि अब चलिए अब करते हैं थोड़ा सा रिकॉल, जिससे कि आपको भी रिमाइंड रहेगा, क्योंकि अभी जब जैसे हम नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे तो थोड़ा सा रिकॉल रहता है इंसान को, राइट। तो यहाँ पर हम करते हैं सिंपल इंटरेस्ट का एक छोटा सा रिकॉल। ओके, हमने स्टार्ट किया था सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट के अंदर हमने ये देखा था कि कुछ फॉर्मूला होता है इसको कैलकुलेट करने का, जैसे कि पी इंटू आर इंटू टी, राइट। पी इंटू आर इंटू टी, पी का मतलब मैंने बताया था दिस इज जस्ट एन इन्वेस्टमेंट, राइट। वट एवर वी डिपॉजिट, वी इन्वेस्ट और वी बोरो, मतलब कुछ भी, चाहे हम इन्वेस्ट करें कहीं पे टू गेट सम रिटर्न, राइट। डिपॉजिट करते हैं, फिक्स डिपॉजिट बैंक में, सेविंग्स अकाउंट में ओपन करते हैं, पीएफ अकाउंट में डिपॉजिट करवाते हैं, कुछ भी सिचुएशन हो सकती है। बोरो मतलब किसी से लोन लेते हैं, उस पर इंटरेस्ट पे करते हैं, तो इट कैन बी एनीथिंग, राइट। द अमाउंट वी हैव इन्वेस्टेड, उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल। रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो भी हमें रिटर्न मिलेंगे उनके ऊपर, इन्वेस्टमेंट के ऊपर, डिपॉजिट के ऊपर, फिक्स डिपॉजिट, वट एवर। टाइम का मतलब कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए हमने उसको डिपॉजिट कर रखा है अकाउंट के अंदर, राइट। तो ये तीनों चीजों को कैलकुलेट करने का हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ जाता था सामने। अब कभी कभी क्वेश्चंस में आता था अमाउंट के बारे में, व्हाट इज अमाउंट, अमाउंट का मतलब होता है मैच्योरिटी, ठीक है। मैच्योरिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता था हमारा, प्रिंसिपल के साथ सिंपल इंटरेस्ट को अगर हम ऐड कर दें, मतलब मुझे मैंने 10,000 रुपए डिपॉजिट करे हैं कुछ इंटरेस्ट रेट पे कुछ फ्यू इयर्स के लिए, 5 साल के बाद मान लेते हैं मुझे पैसा मिलता है 11,000-12,000 विद इंटरेस्ट, तो मेरा क्या होगा, दैट विल बी माय मैच्योरिटी अमाउंट एंड दिस इज कॉल्ड अमाउंट एज वेल। ओके, सो वी हैव डिस्कस्ड दिस थिंग। ओके, वी हैड आल्सो अटेम्प्टेड फ्यू क्वेश्चंस। अब बात करते हैं नए क्वेश्चन की तरफ, एक डिफरेंट क्वेश्चन जो हमने नहीं पढ़ा था, जब हमने इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट्स के बारे में पढ़ चुके हैं, बोरो वाला क्वेश्चन करते हैं। जब हम किसी से लोन लेते हैं तो लोन को किस तरीके से कनेक्ट किया जा सकता है, किस तरीके से सॉल्यूशन किया जाता है। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके, सो क्वेश्चन जो है हमारा वो है, अ ट्रेडर बोरो रुपीस 40,000 फ्रॉम टू लेंडर्स, राइट। हमने इनसे लोन लिया 4-1 लोन, ही पेड 12% इंटरेस्ट रेट एंड फॉर द अदर 14% पर एनम, राइट। After 1 year,
He paid rupees 5100 rupees as simple interest, right? Then how much did he borrow at these rates? What is asking? एक ट्रेडर था जिसने 40,000 रुपीस दो लेंडर से उधार लिए, राइट? मतलब 40,000 रुपीस तो ले लिए, लेकिन 40,000 का ब्रेकअप नहीं दिया कि कितना कितना इनसे लिया है, राइट? 40,000 तो ले लिए, लेकिन 40,000 का कितना हिस्सा पहले लेंडर से लिया, कितना हिस्सा दूसरे लेंडर से लिया, वी डोंट नो। आगे बढ़ते हैं। फॉर वन लोन, जो पहला लोन था, मतलब जो पहले लेंडर से लिया था, he paid 12% इंटरेस्ट रेट। मतलब पहले वाले लेंडर को 12% इंटरेस्ट पे करता है वो 40,000 के ऊपर, या सॉरी 40,000 नहीं, 40,000 का जो पोर्शन उसने लिया होगा उससे, उसके ऊपर। एंड फॉर द अदर 14% पर एनम, मतलब जो दूसरा लैंडलॉर्ड था, लैंडर था, उससे जितना हमने लोन लिया था उसके ऊपर 14% पे करता है। आफ्टर वन ईयर, एक साल के बाद, ही पेड 1500 रुपीज एज सिंपल इंटरेस्ट। एक साल के बाद टोटल उसने जो पे करा है, ही पेड ऑलमोस्ट 5100 रुपीज एज अ सिंपल इंटरेस्ट। हाउ मच डिड ही बोरो एट दीज रेट्स, मतलब उसने इन रेट्स पर कितना पैसा उधार लिया, हमें बताना है। 40,000 जो हमें दिया हुआ है उसमें से कितना हिस्सा हमने, कितना लोन हमने पहले लेंडर से लिया, इसमें कितना हिस्सा दूसरे लेंडर से लिया, वो हमें ब्रेकअप करके दिखाना ऑन द बेसिस ऑफ दिस सिचुएशन, राइट? लेट्स डिस्कस। ओके, फॉर मोर कंफर्मेशन, फॉर मोर एक्सप्लेनेशन, एक काम करते हैं, इसको डिटेल में लिख लेते हैं। ये मान लेते हैं लेंडर वन है, ये लेंडर टू है, राइट? इससे मैंने जो भी लोन लिया और इससे मैंने कुछ भी लिया, उनका टोटल मुझे दे रखा है 40,000, दैट विल बी माय प्रिंसिपल, राइट? व्हाट एवर वी इन्वेस्ट, व्हाट एवर वी डिपॉजिट, और व्हाट एवर वी बोरो विल बी माय प्रिंसिपल, राइट? नेक्स्ट, पहले लेंडर से हमें नहीं पता मैंने कितना लिया, लेकिन इतना पता है दोनों से टोटल 40 लिए। अब मैं क्या मान के चलता हूँ, हमेशा हम क्या करते हैं, पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, स्कूल लेवल से, इफ समथिंग इज मिसिंग व्हाट डू? वी जस्ट एज्यूम कि हमें कुछ एक्स वैल्यू ले लिया। तो यहाँ क्या करेंगे, हम लेट कर लेते हैं कि हमने इससे एक्स रुपीज बोरो करे, राइट? उसके बाद प्लस, इसका मुझे नहीं पता तो मैं क्या करता हूँ, 40,000 टोटल है, उसमें से अगर मैं एक्स हटा दूं तो वो हिस्सा किसका हो जाएगा, वो हिस्सा किसका हो जाएगा, टू का हो जाएगा। तो टोटल मेरे 40,000 आ गए, दिस इज द ब्रेकअप ऑफ 40,000, राइट? इसी से हमारी, इसी इक्वेशन से हमारी लास्ट में सोल्यूशन होगा, फाइंड होगा। अब बात करते हैं पहले लेंडर से जो लिया उस पर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट था। मान लेते हैं इसका था 12% और इसका था 14%, कुछ भी ले सकते हो, 14, 12, whatever you want, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है? सॉल्यूशन एक ही होगा। टाइम जो है दोनों के लिए, ड्यूरेशन वो है एक साल। ऐसा कुछ नहीं है कि दूसरे लेंडर से लिया, क्योंकि द क्वेश्चन इज साइलेंट, तो वी विल कंसीडर कि उसने एक साल के लिए ही लोन लिया है दोनों से, राइट? चलिए, दिस इज द डेटा वी हैव गिवन इन दिस क्वेश्चन, ठीक है? ये थोड़ा सा था, इसको समझाना था कि ये कैसे आप इसको सॉल्व करोगे, वो चीज को मैंने डिटेल एक्सप्लेन करा है, राइट? अब बात करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, हाउ डू वी सॉल्व दिस। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इसका पार्ट। चलिए, सबसे पहले तो सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट हमें गिवन है 5100 रुपीस, मतलब 5100 का इंटरेस्ट गिवन है मुझे दोनों लेंडर के ऊपर, जो मैंने टोटल पे करा। ये भी हमें कंसोलिडेटेड गिवन है, इंडिविजुअल लेवल पे नहीं गिवन कि पहले लेंडर को कितना पे करा, दूसरे लेंडर को कितना पे करा, वी डोंट नो। अब लेकिन इतना पता है कि अगर मैं इस फॉर्मूले, एक फॉर्मूला पर अप्लाई करूं, उससे मुझे इतना पता लग सकता है कि इस फॉर्मूले के थ्रू 5100 का एक्चुअल मतलब क्या है, राइट? दिस इज माई इंटरेस्ट। अगर मैं कहूँ
कि पहले लेंडर से अगर मैं लोन लेता हूं और कुछ पे करता हूं सिंपल इंटरेस्ट के रूप में, तो कैसे करता मैं कैलकुलेट? वेरी सिंपल, पी इंटू आर इंटू टी, इसी फॉर्मूले के थ्रू पे करता हूं, राइट? दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट। इसी तरीके से अगर मैं बोलूं एस आई, ये हो गया फर्स्ट लेंडर, ये हो गया सेकेंड लेंडर, पी इंटू आर इंटू टी, ये फॉर्मूला यूज करता हूं। इन दोनों का टोटल मुझे, ये दोनों कैलकुलेशन करने के बाद मुझे 5100 दे रखा होता है, दोनों का इंटरेस्ट कैलकुलेट करा होगा, जो भी आया होगा उनका टोटल 5100 है। बट आई डोंट नो कि इसको मैंने इतना, इसमें से इतना किस, एक का हिस्सा कितना है और दूसरे का हिस्सा कितना है। तो लेट्स कनेक्टेड, क्या करेंगे इसका हम ये चीज हटाकर, सिंपल सी चीज है, हम इसमें प्लस कर देंगे दो फॉर्मूले, मतलब कि ओवरऑल हमारे दो प्रिंसिपल हैं इसके अंदर। 40,000 का ब्रेकअप नहीं गिवन, लेकिन हमने ऑलरेडी ब्रेकअप कर लिया है पिछले पोर्शन में, P into R into T, राइट? हमारा कर लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट, इन दोनों का टोटल गिवन है मुझे कितना 5100। पहले का लगा लो, पहले मैंने क्या एग्जूम किया था, मान लेते हैं लैंडर वन है लैंडर टू है, ओके, लैंडर वन में क्या माना था मैंने एक्स प्रिंसिपल, इंटरेस्ट रेट कितना माना था मैंने 12% था इसका, टाइम कितना था एक साल, इसमें करो कितना था प्रिंसिपल 40 में से, अगर एक्स हटा दूं 40,000 में से एक्स हटा दूं तो जो बचेगा वो किसका होगा, दूसरे वाले का होगा, मल्टीप्लाई बाय आर, आर कितना था 14%, क्योंकि पहले का 12 ले लिया था दूसरे का 14%। इसको सॉल्व कर लेते हैं, करो 0 1, ये आ गया, यहां पर करेंगे सॉल्यूशन तो हमारा आ जाएगा, अंदर कर लेते हैं इसको सॉल्यूशन, ये माइनस 14x, ठीक है, ये हमारा आगे यहां तक का, आगे करिए सॉल्व, इसको डिवाइड कर देंगे रिस्पेक्टिव उनके लेवल से, राइट, 5600 को इधर लेकर आ जाइए, 5100 माइनस 5600, क्योंकि यहां पर पॉजिटिव में उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, और 0.12x में से 0.14x जब देख रहे हो, इनमें से इसको माइनस करूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, माइनस का 0.02x, 14 में से 12 गया 0.02x आ गया, इसमें से माइनस करा कितना आ गया माइनस 500, ये आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल, इसको से डिवाइड कर दो, मेरी x की वैल्यू आ गई, मतलब मेरा पहले लेंडर का प्रिंसिपल अमाउंट आ गया 25,000 रुपए मैंने लोन लिया था 40 में से, 25,000 जो है मैंने पहले लेंडर से लिया था, जो बचा बाकी मतलब पहले लेंडर का जो था फर्स्ट 40,000 में से मैंने 25,000 रुपीज का लोन लिया था, राइट? दूसरा की बात करते हैं, दूसरे से कितना लिया था, सेकंड से 40,000 इक्वेशन जो मैंने लेट की थी उसमें से 25,000 माइनस कर दूं तो बचा कितना 15,000 रुपए, राइट? सो दिस इज माय सॉल्यूशन, इफ यू हैव एनी चैलेंज प्लीज 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 लेट मी नो, लेट मी क्लियर वन मोर थिंग, एक बार दोबारा से बताता हूं, 40,000 का हमने लोन लिया था दो लेंडर से, मतलब ए एक बंदा था, राइट, अ पर्सन अ ट्रेडर, उसने 40,000 रुपए का लोन लिया दो ट्रेडर दो लेंडर से, राइट? अब 40,000 से पहले से कितना, पहले वाले से कितना लिया और दूसरे वाले से कितना लिया, वी डोंट नो, हमें इतना पता है कंसोलिडेटेड मैंने 40,000 का लोन लिया है, राइट? फॉर वन लोन ही पेड, पहले लोन के लिए ही पेड फॉर 12% रुपीज, 12% इंटरेस्ट रेट, एंड फॉर द अदर ही पेड 14% पर एनम, पहले वाले को उसने जितना भी उसने लोन लिया था उसके लिए उसने 14% का और दूसरे वाले से 12% का इंटरेस्ट रेट पे करा। After one year, एक साल के बाद, he paid rupees 5100 as simple interest. 5100 रुपए का simple interest के रूप में उसने total interest pay करा. We don't know कि पहले वाले को कितना करा, दूसरे को कितना करा. Again, एक consolidated amount हमें given है. How much question क्या मांग रहा है हमसे? How much did he borrow at these rates? बोल रहा है, इन rates पर ये बताओ कितना उन्होंने बोरो किया था, बोरो अमाउंट मतलब प्रिंसिपल अमाउंट निकालो दो डिफरेंट लेवल पे, मतलब डिफरेंट लेवल, मतलब पहले लैंडर से जितना लिया और दूसरे लैंडर से जितना लिया, वो हमें निकालना है
इस प्रॉब्लम के थ्रू। मैंने क्या किया, हमें पता था क्वेश्चन के अंदर 5100 रुपए का हमें सिंपल इंटरेस्ट गिवन है, टोटल सिंपल इंटरेस्ट, क्या बोलूंगा इसको मैं, टोटल सिंपल इंटरेस्ट गिवन है, आउट ऑफ विच कितना पहले को पे करा कितना दूसरे को पे करा आई डोंट नो टोटली राइट। मुझे इतना पता है इन दोनों का फॉर्मूला अगर मैं ऐड कर दूं, इन दोनों के इंटरेस्ट को ऐड कर दूं, तो मेरा 5100 के बराबर बन जाता है। दिस इज वेरी सिंपल पॉइंट राइट। अब 5100 मुझे गिवन है, पहला प्रिंसिपल मान लेते हैं लेटर वन की इक्वेशन है, ये लेटर टू की है राइट। पी एक्स माना था, मैंने बताया था पिछले पोर्शन में, मैंने मान लिया कि पहले वाले से हमने जो लोन लिया है वो लिया है एक्स रुपीज, दूसरे वाले से कितना लिया था 40,000 टोटल था, उसमें एक्स माइनस कर दूंगा तो दूसरे का बचेगा उतना उसने लिया। एक्स मल्टीप्लाई 12% मान लिया पहले वाले का, 1 एक साल 40 इधर माइनस एक्स मल्टीप्लाई 14% 1। इसको कैलकुलेट करने के बाद सोल्यूशन करने का हमारे पास आ गया एक्स की वैल्यू 25,000। एक्स का मतलब मैंने क्या माना था, पहले लेंडर से मैंने लोन लिया था इसलिए मेरे फर्स्ट का आ गया 25,000। सेकंड के लिए क्या माना मैंने, 40,000 माइनस एक्स था, उसमें 25,000 की वैल्यू पुट करी एक्स की, मेरे पास आ गया 15,000। तो मुझे पता लगे कि मेरे पहले से मैंने 25,000 का लोन लिया था, दूसरे से मैंने 15,000 का लोन लिया था राइट। अगर क्वेश्चन में मांगा जाता कि हमें ये बताओ कि 5100 में से किसको कितना कितना इंटरेस्ट पे करा, तो वेरी सिंपल गाइस, इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर दो। सिंपल इंटरेस्ट मुझे नहीं पता, अब तो प्रिंसिपल पता लग गया, आर भी पता है टाइम भी पता है, प्रिंसिपल भी पता है आर भी पता है टाइम भी पता है, दो तो अलग अलग इक्वेशन में सॉल्व करोगे तो ऑटोमेटिकली सिंपल इंटरेस्ट निकल ही जाएगा आपका, वो 5100 के बराबर ही आएगा। इन केस अगर क्वेश्चन में ऐसा आता है कि आपसे पूछा जाता है इंटरेस्ट भी निकाल के दिखाओ कि पहले वाले को कितना पे करा दूसरे वाले को कितना पे करा, तो आप यू कैन डू इजीली बिकॉज यू हैव प्रिंसिपल, यू हैव रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड यू हैव ईयर एज वेल, तो आप इजीली तरीके से सॉल्व कर सकते हो, कुछ है नहीं चैलेंज राइट। अगर आता है पेपर के अंदर तो अदरवाइज कोई इशू नहीं है। सो दिस इज डन राइट, सिंपल इंटरेस्ट के हमारे इतने ही क्वेश्चंस थे, आई नो वी हैव सो मेनी क्वेश्चन एज वेल, बट उसके लिए मैं ये कहूंगा आप प्रैक्टिस करो राइट। सिमिलर क्वेश्चंस हैं, थोड़े बहुत चैलेंजेस हैं, एक क्वेश्चन ऐसा बता देता हूं मैं कुछ कैसी कैसी डिफिकल्टीज आ सकती है क्वेश्चन के अंदर। जैसे हमने लास्ट में पढ़ा था कि याद होगा आपको, हमने क्वेश्चन किया था कि कुछ पैसा मैंने डिपॉजिट करा, आई डोंट नो व्हाट वाज द अमाउंट राइट, कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मैंने डिपॉजिट करा ठीक है, और कुछ सालों के बाद मुझे पता लगता है वो अमाउंट डबल हो गया राइट, वो डबल हो जाता है। अब मुझे ये नहीं पता वो कितना था, तो मैंने क्या बना माना था उसको लेट किया था अमाउंट इज इक्वल टू 2p, याद होगा कोई इक्वेशन मेरे को जो क्वेश्चन में गिवन थी राइट, 2p हो जाता है उस क्वेश्चन के अंदर। अगर एक इस क्वेश्चन को किस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं, वो बोल सकते हैं मेरा अमाउंट ट्रिपल हो गया, ट्रिपल लिखा हुआ सकता है हमारे क्वेश्चन के अंदर, 6 times हो गया, 8 times हो गया, तो वहां पर हम कुछ नहीं करना है, वहां पर छोटी सी चीज करनी है। जैसे अमाउंट पिछले क्वेश्चन में क्या था 2p हो गया था, तो यहाँ पर क्या करना है ट्रिपल की बोलेगा तो 3p राइट, 8 टाइम्स बोलेगा 8, 6 टाइम्स बोलेगा 6, बस दिस इज जस्ट सिंपल एडिशन जो आपको करना है वहां पर, जो भी कुछ आएगा उसके अंदर, और कुछ नहीं करना ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, प्लीज इसको नोट जो करेगा, क्वेश्चन के अंदर डबल भी आता है, ट्रिपल भी आता है, 6 टाइम्स भी आता है, 8 टाइम्स भी आता है, दे कैन आस्क एनीथिंग ठीक है, इसलिए क्वेश्चन आएंगे, बाकी क्वेश्चन आपको एज इट इज सिमिलर मिलेंगे, इनमें से ही क्वेश्चन ऐसे पेपर में आएगा अगर आता है सिंपल इंटरेस्ट का पॉइंट ठीक है। अदरवाइज बताता हूँ इसके अंदर से काफी क्वेश्चन नहीं आते सिंपल इंटरेस्ट के अंदर से नहीं आते क्वेश्चन, अगर आएगा तो जो आप क्या कहते हैं दूसरा टॉपिक है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, उसके साथ जुड़ के आएगा राइट। तो मेक श्योर कि आप इसको इस तरीके से ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ना पढ़ोगे, प्लीज इसको भी उसी ही लेवल पे पढ़ना जिस लेवल पर रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स आप पढ़ने वाले राइट। तो दिस अब टेक योर टाइम फॉर 10 seconds ओके, आई विल गो फॉर द रेस्ट ऑफ द चैप्टर। ओके चलिए हम करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट याद होगा मैंने लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था कि हमारा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड द कंपाउंडिंग इंटरेस्ट राइट, क्या डिफरेंस था, मेजर डिफरेंस क्या होता है दोनों में।
छोटा सा डिफरेंस होता है, सिंपल इंटरेस्ट में जो मैं पैसा इन्वेस्ट करता हूँ, मुझे हर साल अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट पर ही इंटरेस्ट मिलता है। मतलब एक साल बाद जो मेरे अकाउंट में इंटरेस्ट के साथ जो पैसा पड़ा होगा उस पर इंटरेस्ट नहीं मिलता। जैसे मान लो मैंने 100 रुपये डिपॉजिट करे, राइट, उसके ऊपर 10% का इंटरेस्ट रेट है, तो मुझे एक साल के बाद 110 मिलेंगे। लेकिन जो नेक्स्ट ईयर खत्म होगा तो उसमें मुझे किस पे इंटरेस्ट मिलेगा? 110 पे नहीं मिलेगा, 100 पे ही मिलेगा, जो अमाउंट मैंने डिपॉजिट किया था उस पे मिलेगा, राइट। तो ये डिफरेंस मेजर सिंपल इंटरेस्ट में था। अब कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या है कि मान लो मैंने 100 रुपीज डिपॉजिट करे अकाउंट के अंदर, आज मान लेते हैं 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे मिलता है, 10 रुपये मिल गया, एक साल के एंड में मेरे पास हो गए कि हमें मिल गया 110 रुपये। अगला साल आ गया, खत्म हो गया, मुझे मिले 11 रुपये, तो मुझे जो इंटरेस्ट मिलता है कंपाउंडिंग के किस पे मिलता है? इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, दैट इज नॉन एज कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। यूजली हमें FD सेविंग्स अकाउंट में देखने को मिलता है, जितना पैसा हम डालते हैं उस पे नहीं, जितना मेरा क्लब होता चला जाता है उस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। तो मेरे पास आ गया 121। इसी तरीके से कंटिन्यू चलता रहेगा अगले साल, ठीक है। तो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन कंपाउंडिंग इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट, राइट। अब कैसे कैलकुलेट होता है, लेट्स डिस्कस। व्हाई आई एम डिस्कसिंग दिस इन डिटेल, बिकॉज लास्ट कई एग्जाम्स में ये डिस्कस करा है कि कई बार एग्जाम्स मैंने ये चीज देखी है, आजकल ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछने लग गए हैं। एक दो नंबर का क्वेश्चन आता है जिसमें लिखा जाता है कि प्लीज इलेबोरेट कंपाउंडिंग इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट इन डिटेल, राइट, देन हाउ विल यू आइडेंटिफाई एंड हाउ विल यू जस्टिफाई दैम। आप सिंपल से दो चीजों को सिनेरियो को डिफाइन इजीली कर सकते हो, जिससे कि आपको प्रैक्टिकल के साथ साथ मार्क्स तो मिलने हो, तो ऑब्वियसली 2 से 3 नंबर से ऊपर आएगा नहीं, आप इजीली उसको 100% अचीव कर सकते हो, राइट गाइस। लेट्स डिस्कस कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, हाउ डू वी कैलकुलेट इट। ओके, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है अमाउंट इज इक्वल टू पी 1 + r की पावर t। दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। इसके अंदर वो फॉर्मूला नहीं है जैसे हमने सिंपल इंटरेस्ट में पढ़ा था, p × p × r × t। नो, इसमें इस तरीके का फॉर्मूला हमारे को दिया रखा है। अमाउंट का मतलब वही है गाइस, मैच्योरिटी, राइट। पी का मतलब वही है प्रिंसिपल, आर का मतलब भी वही है रेट, ये हो गया टाइम। देयर इज नो चेंजेस बिटवीन ए पी आर टी, राइट गाइस। This is the formula to calculate compounding interest. This is just a power, right? This is the power to calculate compounding interest. Okay. If आप बोलोगे कि इसमें amount तो निकल जाएगा, if the question is asking for compounding interest particularly, तो कैसे calculate करोगे? तो very simple. जैसे हमने formula पढ़ा था amount का, principal plus SI था या CI हो गया। Amount निकल जाता है, तो A में से अगर P minus कर दोगे, automatically आपका CI भी निकल जाएगा। तो वी हैव टू फॉर्मूला, राइट, ओवर हियर। दिस फॉर्मूला इज समथिंग रेप्लिकेटेड, आई वुड से हर जगह रेप्लिकेट हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, इसके अंदर की डिफरेंट है, राइट। दिस इज समथिंग न्यू, राइट। बिकॉज क्यों ऐसा फॉर्मूला बनाया गया, इसलिए बनाया गया क्योंकि कॉन्सेप्ट दोनों अलग अलग है। एक सिंपल इंटरेस्ट कॉन्सेप्ट क्या है कि आपको हमेशा इन्वेस्टमेंट अमाउंट पे पैसा इंटरेस्ट मिलता है, यहाँ पर क्या है क्लब अमाउंट पे भी इंटरेस्ट मिलता है, यानी इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट भी मिलता है इसके अंदर, इसलिए हमारा फॉर्मूला चेंज है, राइट। क्वेश्चन करते हैं तो बेटर विजिबिलिटी। ओके, क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, फाइंड द कंपाउंड अमाउंट, कंपाउंड अमाउंट निकाल के दिखाओ, ऑब्वियसली ए पूछ रहे हमसे, ऑफ रुपीज 2000 रुपए के ऊपर फॉर टू इयर्स एट
10% if compounding is done, if compounding is done first case annually, second case semi-annually, third case half yearly, इसको हम सेमी एनुअली भी बोल सकते हैं गाइस, ठीक है, डिपेंड्स कौन सा हमारा क्वेश्चन गिवन है। फोर्थ इसके हम बोल सकते हैं मंथली, राइट, वी हैव फोर सिचुएशन हियर एंड वी नीड टू फाइंड आउट हाउ डू वी सॉल्व इट, राइट। बिफोर वी गो फॉर कंपाउंडिंग इंटर, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज कैरी योर कैलकुलेटर, बिकॉज विदाउट द कैलकुलेटर यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व दिस सिचुएशन। आई नो कुछ हद तक, कुछ लिमिटेशन तक हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, फॉर कुछ ऐसे चैलेंजेस आएंगे, ऐसी पार्स आएंगी, 80 पार्स होगी किसी की, मान लेते हैं अगर मैं बोलता हूं 2 की पार 2, वी कैन इजी कैलकुलेट 2 बाय 2 मल्टीप्लाई टू इज इक्वल टू 4, राइट। इफ वी आस्क 2 मल्टीप्लाई 50, वी कैन इजीली डू इट, बट इफ समबडी आस्क यू से 101 की पार 50 है, नाउ कैलकुलेट, यू कैन नॉट डू इट इजीली, राइट। For this, you have to use a calculator. So, would appreciate if you use it because this is the main challenge for you, right? So, इसलिए कहा जाता है कि exam के अंदर इसको use किया जाए। First point की बात करते हैं, annually के अंदर मतलब है यहाँ पर, right? Annually के अंदर हमें बता रखा है कि किस तरीके से calculation करेंगे। पहला case,